फ्रेंड्स, आज मैं आपको यम्मी और टेस्टी सा मीट बनाना सिखाऊंगी, गोश्त बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने गोश्त को वॉश कर लिया अच्छे से चार पानी से। अब हम कुकर गर्म होने रख देंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मगर कुकर में जल्दी बन जाता है। मैंने अदरक लहसुन और प्याज चॉप कर लिया हो, ये गरम मसाला। ये हमारा कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही कुकर गर्म कर लिया था, इस वजह से हमने तेल जैसे ही डाला वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है। अब हम इसमें लहसुन प्याज और अदरक डालेंगे। अब हम इसे हिलाएंगे अच्छे से और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होते हैं, फिर इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला धीरे धीरे भूनने लग गया। हमें इसे हिलाना है वरना नीचे चिपक जाएगा। चिपक जाता है तो फिर नीचे से बहुत भयंकर चटी चटे से फ्लेवर आने लग जाता है, फिर वो फ्लेवर पसंद नहीं आता। तो इस चक्कर में हमें इसको हिलाना है अच्छे से। और ये देखिए, ये प्याज और सब हल्का हल्का भुनने लग गया है। और ये देखिए, ये इस तरह चिपकने लग गया था, तो मैं इसको ऐसे हिला रही हूँ। हम इसमें मीट डालेंगे। मैंने आधा किलो मीट लिया है, मैं इसमें एक साथ पूरा डाल दूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मीट डाल दिया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे कर इसका मसालेदार पानी तोड़ लूँगी और इस तरह से चलाऊँगी। मीट का जो वाटर जो रहता है हम धो लेते हैं, उसके बाद जो उसमें लगा हुआ रहता है पानी उसे हम तोड़ना रहता है, उसमें रहना नहीं चाहिए, जैसे हमारी सब्ज़ी में कुछ कमियाँ आए। इस वजह से हम इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, हिलाते जाएंगे वरना हमारा मसाला चिपक जाएगा। टू स्पून मिर्ची, वन हाफ स्पून सॉल्ट और हाफ स्पून हल्दी हम इस कटोरी में सब डाल लेंगे। हाफ स्पून अमचूर पाउडर, हाफ स्पून जीरा पाउडर, वन एंड हाफ स्पून कोरिएंडर पाउडर और वन स्पून गरम मसाला पाउडर। फ्रेंड्स, ये देखिए इसका पानी टूटने लग गया है, इसी तरह से हमें इसको तोड़ना है। मुमताज़ मसाला, ये मैं खुद हाथ से बनाती हूँ घर पर। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगी। बहुत ही अच्छी फ्लेवर दी जाती है सब्ज़ी में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में, बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत आसान है। इसलिए मैं इसे ज़रूर डालती हूँ मेरी सब्ज़ियों में। ये सीक्रेट मसाला है, मेरी नानी ने मुझे बताया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा रहता है, हमारे जैसे हम पहले से ही सब निकाल कर रख लेते हैं, फिर हम एक साथ सब डाल देते हैं। वरना हमें बहुत सारी बार ऐसा होता है हम कुछ डालना जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी सब्ज़ी चिपकने लग जाती है, इसलिए सब हम हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं। और ये जब मसाला मिक्स हो जाता है ना, इतनी प्यारी से खुशबू देता है और ऐसा फ्लेवर आता है। अगर आप चाट बनाए उसमें डालिए, सब मिक्स करके बनाया करें, और आपको खट्टा मीठा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता हो चटपटा, तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, शुगर पाउडर मिलती है। मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठा ठंड लगता है मीठ। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, इसका पानी टूटने लग गया है, बहुत सारा टूट चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं और हम इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लें। हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है, इसमें खदके आ चुकी है अच्छे से। अब हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है, इसमें बहुत अच्छे से बन चुकी है। और यार देखिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।